इश्क, मोहब्बत, दीवानगी या फिर पागलपन, एक ऐसी खबर जिसे देखने के बाद आप इसे क्या नाम देंगे ये आप ही जाने। जब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, जहानाबाद जिले में एक घटना घट जाती है। अब इस घटना को आप क्या कहेंगे? जहानाबाद जिले के वैना गांव के अनिल शर्मा उर्फ अली बाबा, जब जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, उसने अपनी एक उंगली काटकर भगवान के ऊपर चढ़ा दिया है। अब इसे इश्क कहेंगे, मोहब्बत कहें, दीवानगी कहें या फिर पागलपन, देखिए पूरी रिपोर्ट। यह घटना जिले के घोसी थाना क्षेत्र के वैना गांव की है। 45 साल के अनिल शर्मा उर्फ अली बाबा नीतीश के मुख्यमंत्री बनने पर अपनी तीन उंगलियां काट चुके थे। 16 नवंबर को नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी उंगली काट ली। बिहार के जहानाबाद में एक युवक ऐसा है जो नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद हर बार अपनी एक उंगली काटकर भगवान को चढ़ा देता है। जहानाबाद के अनिल शर्मा ने सोमवार को अपनी चौथी उंगली काटकर गौरैया बाबा के मंदिर में चढ़ा दी। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नीतीश कुमार उनके पसंदीदा नेता हैं। यह घटना जिले के घोसी थाना क्षेत्र के वैना गांव की है। 45 साल के अनिल शर्मा उर्फ अली बाबा नीतीश के मुख्यमंत्री बनने पर अपनी तीन उंगली काट चुके थे। 16 नवंबर को नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी उंगली काट ली। अनिल शर्मा की इस दीवानगी को देखकर प्रखंड के लोग भी हैरत में हैं। अनिल का कहना है कि उसे ऐसा करने से खुशी मिलती है। उन्हें इस बार भी गौरैया बाबा के समक्ष मन्नत मांगी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी नीतीश कुमार को ही मिले। उनकी मन्नत भगवान ने सुन ली, इसलिए उन्होंने अपने हाथ की एक उंगली काट कर गौरैया बाबा को भेंट कर दी। पिछले लंबे समय से वो ये करते आ रहे हैं। कितनी बार आपने उंगली काट ली है? हमने 4 बार काटा। 4 बार सीएम बने नीतीश बाबू, 4 बार काटा। तो कोई मना नहीं करता है? माना हमको करने वाला कौन है? न पत्नी है, न बाल है, न बच्चा है, कोई नहीं है। ऊपर में भगवान, नीचे में नीतीश कुमार और तीसरा नंबर में मोदी। इसका सिवा हम किसी को न समझते हैं। हम भली के अनपढ़ हम दिए ट्रैक्टर टोली पर ईंटा लाते हैं, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी पीएम थे उस समय से राजनीति का कुछ स्वाद हम लेते हैं। बहुत सा प्रधानमंत्री को देखा, बहुत सा मुख्यमंत्री को स्टेट में देखा, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के देखा, वो आज तक के किसी को नहीं देखा। इस पर हमको करेजा खुश होके नरेंद्र मोदी बोला कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज चढ़ेगा। मैंने देखिए टिकट कटवा के आया हवाई जहाज से, हम नहीं आया, उस पर खाली हवाई जहाज पर लेबर था, चेन्नई टू पटना। मैं हवाई जहाज से सफर के आया हूँ नीतीश कुमार के कर्ण काट के देने के लिए, और नरेंद्र मोदी जी का भी इसमें बात सफल हुआ कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। तो आप चेन्नई में नौकरी करते हैं? हम पेड़ लगाने वाले काम करते हैं चेन्नई में। जी हाँ, हम करीब करीब अपना हाथ से 10,000 पेड़ को 1 फीट से 1.5 फीट के उसको कर दिया 5 फीट 7 फीट, और देखने का हम 29 एकड़ में है। 7,000-8,000 पेड़ है, उसको हम सबको वृक्ष को पीपर पाकड़ आम अमदूर जितना पेड़ है सबको, हमको 3-4 चीज में च्वाइस बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार इसके बारे में जानते हैं क्या? आप उनके हर जीत पे उंगली काटते हैं? जानते हैं, लेकिन उनके पास कुछ व्यक्ति हैं जी, वो कचरा व्यक्ति हेले हुए हैं। नीतीश कुमार के भी मालूम नहीं है कि हमारे साथ रह के वो कचरा वाला काम कर रहा है। हैं एक आध व्यक्ति उनके पास में जो निजी है। अच्छा बाबा, एक अगर नीतीश कुमार को कोई संदेश देना हो जी, तो क्या आप संदेश देंगे? संदेश उनका क्या देंगे? हम उनका से कोई बात ना, हमारा धन का लोभ है, ना नौकरी का लोभ है, ना रुपया का लोभ है। कफन में जेब नहीं होता कि हम लेके जाएंगे, कोई बाल बच्चा नहीं कि उसके लिए कोई दौलत बना देंगे। अब तो ये अंतिम देखना था। ये बार नीतीश कुमार नहीं अगर जीता तो हो सकता हम मौत भी कर लेते। ये तो अंग तक काट के दिया, अब अंतिम मेरा परिचय। जिस परिवार से हम नहीं बोलते चलते थे, हमारा भाई है, भतीजा है, पोता है, पोती, उससे हम बात नहीं करते हैं।
लेकिन अभी छठ के समय जब जीते के सुने तो 4,000 रूपए छठ व्रत में भी लगा दो। प्रेम का टिकट कटवा के 8,200 रूपया के आए। तो अब तक नीतीश कुमार ने आपसे संपर्क किया है? वो संपर्क करने से क्या जरूरत है, अगर रिक्शा चालक से संपर्क करने लगेंगे तो उनका फिर स्टेट चलेगा, कितना दिन जुड़ जाएगा रिक्शा चालक, वो काम काम से क्या उतना हम कोई जरूरत भी ना है। लेकिन अभी मिलने का मन है, अभी नहीं मिलेंगे तब तक इसको इलाज नहीं करावेंगे, ये एकदम पूरा एकदम है। उनके पास कुछ घटिया व्यक्ति है, उनका प्रूफ सामना सामने हम करेंगे। ठीक है।